हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 द लैंड लेडी बाय रोल्ड डाल। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज़ अ मिस्ट्री स्टोरी एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड द स्टोरी ऑफ अ टीनेज बॉय स्टे एट एन अनयूजुअल गेस्ट हाउस। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बच्चों। इमेजिन Staying in an unfamiliar house with a strange, mysterious host। बच्चों क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसी अनजान घर में किसी एक अजनबी व्यक्ति के साथ रहस्यमय होस्ट के साथ आप रहने की कल्पना कर सकते हैं? How do you feel? How would you feel? आपको कैसा महसूस होगा? What could happen if we are not careful? अगर हम सतर्क ना रहें तो क्या हो सकता है? Read the story of Billy Weaver। तो हम ये Billy Weaver की कहानी पढ़ेंगे who decides to spend a night at an unfamiliar bed and breakfast with a mysterious host। तो ये जो Billy Weaver की कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो decide करते हैं एक रात बिताने की एक unfamiliar अनजान जगह पर, और उस जगह का नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट, वो एक होटल है विद अ मिस्टीरियस होस्ट और वहाँ के जो होस्ट हैं वो बहुत ही रहस्यमय हैं। तो आइए ये कहानी अब यहाँ से शुरू करते हैं। बाय द टाइम बिली वीवर गॉट अ बैट। तो यहाँ पर बैट जो है बच्चों एक सिटी है साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में, ठीक है। जब तक जिस समय तक बिली वीवर जो है बैथ सिटी तक पहुँचे इट वॉज़ अबाउट 9 o'clock इन द इवनिंग, और ये शाम के 9 बज चुके थे। एंड द मून वॉज कमिंग आउट ऑफ अ क्लियर स्टारी स्काई, और जो चांद है वो सितारों भरी जो स्काई है आसमान है उसमें से क्लियरली मून बाहर दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज डेडली कोल्ड, और जो हवा थी वो एकदम डेडली हेयर मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी हवा। एंड द विंड वॉज लाइक अ फ्लैट ब्लेड ऑफ आइस ऑन हिज चीक्स, और जो हवा जो चल रही थी वो उसके चेहरे पे इतना तेज लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ़नुमा कोई ब्लेड उसके चीक्स पर चुभ रहे हों। एक्सक्यूज मी ही सेड, इज देयर अ होटल नॉट टू फार अवे फ्रॉम हेयर। तो उन्होंने एक किसी व्यक्ति से कहा कि क्या यहाँ पे कोई पास में कोई होटल है? ट्राई द बेल एंड ड्रैगन, द पोर्टर आंसर्ड। पोर्टर होता है बच्चों कुली, जो समांड होते हैं। उन्होंने बोला कि आप बेल और ड्रैगन जो है एक होटल है पास में वहाँ पर उसे ट्राई कीजिए, पॉइंटिंग डाउन टू द रोड, रोड की तरफ उन्होंने इशारा किया। बिली पिक्ड अप हिज सूटकेस एंड सेट आउट टू वॉक ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट। बच्चों ब्रिस्कली मतलब होता है क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी। तो बिली ने क्या किया, अपना सूटकेस जो है वो उठाया और जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगा स्ट्रीट पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। देयर वॉज अ लाइन ऑफ टॉल आइडेंटिकल हाउसेज ऑन ईच साइड। अब जिस गली में वो जा रहे थे तो वहाँ पर लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर हाउसेज थे। इवन इन द डार्कनेस ही कुड सी दैट द पेंट वॉज पीलिंग फ्रॉम द वुड वर्क ऑन देयर डोर्स एंड विंडोज एंड दैट द हैंडसम वाइट पैकेट्स वर क्रैक्ड एंड ब्लॉची फ्रॉम नेगलेक्ट। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ये पोएट क्या राइटर कहते हैं कि अंधकार में भी, मतलब अंधेरे में वो उस गली में जा रहे थे, वो आसानी से देख सकते थे कि जो उन घरों की जो लकड़ी थी, दरवाज़ों की जो पेंट था वो पील हो गया था, उखड़ रहा था। एंड विंडोज़ एंड दैट द हैंडसम, विंडोज़ और डोर से वो पेंट उनका निकल रहा था, और हैंडसम वाइट फैकेट्स, फैकेट्स होता है फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के आगे का हिस्सा है, वो जो है वो क्रैक हो गया था। एंड ब्लॉची फ्रॉम नेगलेक्ट, नेगलेक्ट यानी कि लैक ऑफ केयर, और वो उन घरों की केयर नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से वो जो दीवारें थी वो पैची भी हो गई थी, अनइवन थी, कहीं से पेंट निकल रहा था। सडनली बिली कॉट साइट ऑफ अ प्रिंटेड नोटिस प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द ग्लास। तो अचानक क्या हुआ, बिली जो है उन्होंने कॉट साइट ऑफ है बच्चों यहाँ पर सॉ, देखा उन्होंने, क्या देखा उन्होंने, अ प्रिंटेड नोटिस, एक प्रिंट नोटिस देखा जो कि ग्लास के कांच के सहारे लगा हुआ था। प्रॉप्ड होता है यहाँ पर सहारा लगना, तो नोटिस जो था उस ग्लास के सहारे पे लगा हुआ था।
इट सैड, और उस नोटिस पे क्या लिखा था, बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। ही मूव्ड अ बिट क्लोजर, जैसे ही वो थोड़ा उसके पास गए, ग्रीन कर्टन्स हंग ऑन ईदर साइड ऑफ द विंडोज, और जो खिड़की के दोनों किनारों पर ग्रीन कलर के कर्टन्स वहाँ पे लगे हुए थे। द येलो क्रिसेंथेमम्स लुक्ड वंडरफुल बिसाइड देम, और जो पीले रंग के गुलदावरी के फूल थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे उन पर्दों के पास। ही पीयर्ड थ्रू द ग्लास इन टू द रूम, पीयर्ड होता है बच्चों झांकना, तो उन्होंने उस ग्लास से रूम में झांका। एंड सो अ ब्राइट फायर बर्निंग इन द हर्थ, हर्थ होता है बच्चों जैसे गर्मी सर्दी के टाइम में आप एक भट्टी जलाना, वहाँ से आग जलती है। तो जैसे उन्होंने रूम के अंदर झांका ग्लास से, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राइट फायर जो है वो जल रही है भट्टी में। ऑन द कारपेट इन फ्रंट ऑफ द फायर, और कारपेट पे फ्रंट के फायर के सामने अ प्रेटी लिटिल डैशन वॉज कर्ल्ड अप अस्लीप विद इट्स नोज टक्ड इनटू इट्स बेली, और वहाँ पे डैशन मीन्स है स्मॉल डॉग विद अ लॉन्ग बॉडी एंड वेरी शॉर्ट लेग्स, एक नस्ल का जो डॉग था तो वहाँ पर वो लेटा हुआ था कर्ल होकर, और वो सो रहा था और अपनी नाक को उसने बैली तक टक किया हुआ था। द रूम इटसेल्फ वाज फिल्ड विद प्लेजेंट फर्नीचर, और जो रूम था वो पूरा प्लेजेंट अच्छे अच्छे फर्नीचर से भरा हुआ था। देयर वाज अ बेबी ग्रैंड पियानो, बेबी ग्रैंड पियानो है द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ ग्रैंड और लार्ज पियानो सपोर्टेड बाय द थ्री लेग्स, बच्चों थ्री लेग्स का एक जो पहले आपने देखे होंगे टीवी में भी देखा होगा जो पियानो होता है, तो उसी का एक स्मॉल साइज़ का है। अ बिग सोफ़ा, वहाँ पे एक बड़ा सोफ़ा था, एंड सेवरल प्लम्प आर्म चेयर्स, प्लम्प होता है जैसे बड़े बड़े, तो सेवरल कुछ जो वहाँ पर आर्म चेयर्स भी थी। एंड इन वन कॉर्नर ही स्पॉटेड अ लार्ज पैरट इन अ केज, और वहाँ पर एक कोने में उन्होंने क्या देखा, एक पिंजरे में एक पैरट भी है एक बड़ा सा। सर्टनली इट सीम्ड अ कम्फर्टेबल प्लेस टू हिम, तो ये उन्हें एक बहुत कम्फर्टेबल प्लेस दिख रहा था। आफ्टर डिथरिंग इन द कोल्ड फॉर टू और थ्री मिनट्स, डिथरिंग है बच्चों हेजिटेट होना, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर हेजिटेटिंग बिकॉज ऑफ बींग अनेबल टू डिसाइड, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं अंदर जाऊँ इस होटल में या कोई और होटल देखूँ, तो ठंड में वो एक दो मिनट वहाँ पर उन्होंने लगाए खड़े रहे डिसाइड करने के लिए। बिली डिसाइडेड दैट ही वुड टेक अ लुक एट द बेल एंड द ड्रैगन बिफोर मेकिंग अप हिज माइंड, अब उन्होंने सोचा कि मैं इस होटल में जाने से पहले, बेड एंड ब्रेकफास्ट में जाने से पहले एक बार मैं बेल एंड ड्रैगन, जो उस इंसान ने कुली ने कहा था कि आप बेल एंड ड्रैगन में जाइए, तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। जैसे उन्होंने अपना माइंड बनाया वहाँ जाने के लिए, एज ही टर्न टू गो, जैसे ही वो जाने लगे, हिज आईज was caught and held in the most peculiar manner by the small notice. अब जैसे ही वो मुड़े जाने के लिए, तो उन्होंने उनकी जो नज़र थी वो एक वहाँ पर नोटिस लगा हुआ था उस पर चली गई, और उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था, बेड एंड ब्रेकफास्ट इट सेट, उस पर बेड एंड ब्रेकफास्ट लिखा था बोल्ड लेटर्स में, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट। Each word was like a large black eye staring at him, holding him, compelling him, forcing him to stay. And before he knew, he was actually moving to the front door of the house, climbing the steps and reaching for the bell. तो बच्चों यहाँ पर जो बिली वीवर हैं, उन्होंने जैसे ये नोटिस पढ़ा, तो हर एक जो शब्द था, हर एक जो अक्षर था, वो बड़ा बड़ा ब्लैक उनको ऐसे लगने लगा कि हर एक अक्षर उन्हें घूर रहा है, स्टेयरिंग एट हिम। अब वो हर अक्षर जो है उन्हें होल्ड कर रहा है, रोक रहा है, कंपेल कर रहा है, अपीलिंग, कंपेलिंग मीन्स अपीलिंग, फोर्सिंग हिम टू स्टे, वो हर एक अक्षर उन्हें फोर्स कर रहा है कि यहाँ पर रुक जाइए। एंड बिफोर ही न्यू, और इससे पहले कि वो जान पाते, ही वॉज एक्चुअली मूविंग टू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, और वो फ्रंट डोर के हाउस पर चले गए। क्लाइंबिंग द स्टेप्स, और वो स्टेप्स चढ़ने लगे, एंड रीचिंग फॉर द बेल, और बेल की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। ही प्रेस द बेल, उन्होंने बेल बजाई। ही हैडन्ट इवन रिमूव्ड हिज फिंगर फ्रॉम द बेल बटन, अभी तक उन्होंने अपनी फिंगर भी रिमूव नहीं की थी बेल बजाकर। द डोर स्वंग ओपन, जो एकदम डोर जो है एकदम खोला गया। एंड अ वुमेन पॉप्ड आउट जस्ट लाइक अ चेक इन द बॉक्स, और एक वुमेन वहाँ से डोर से एकदम से निकली, पॉप्ड आउट, एकदम बाहर निकलना
जैसे कि एक जैक इन द बॉक्स एक गेम होता है बच्चों का, अ चाइल्ड्स टॉय दैट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स विद अ डॉल इनसाइड इट दैट जंप्स आउट व्हेन द लिड इज ओपनड एंड गिव्स यू अ सरप्राइज। बच्चों एक बॉक्स होता है जिसमें कोई डॉल या कोई भी जो कोई भी कार्टून कैरेक्टर है, डॉल है, वो एकदम अगर हम जब बॉक्स खोलते हैं तो वो जैक बाहर निकलते हैं सरप्राइजिंग। तो इसी टाइप से वो वुमेन जो है दरवाजे से बाहर निकले। इट मेड हिम जंप, तो इससे क्या हुआ, वो थोड़ा सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। शी वॉज़ अबाउट 45 or 50 ईयर्स ओल्ड, उनकी जो उम्र थी लगभग 45 या 50 वर्ष थी। प्लीज़ कम इन शी सेड, उन्होंने कहा आइए अंदर आइए। गिविंग हिम अ वार्म वेलकमिंग स्माइल, और उन्होंने काफ़ी अच्छी उन्हें वेलकम स्माइल दी। बिली फाउंड हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली वॉकिंग फॉरवर्ड, और बिली ने क्या महसूस किया कि वो अचानक ही ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। द डिज़ायर टू फॉलो आफ्टर हर वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग, जो उनके पीछे जाने को उनको फॉलो करने का एक जो डिज़ायर था, इच्छा थी, वो इतनी असाधारण मजबूत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आई सॉ द नोटिस इन द विंडो ही सेड, और उन्होंने क्या कहा कि मैंने विंडो में एक नोटिस देखा है। आई वॉज़ वंडरिंग अबाउट अ रूम, मैं एक रूम के बारे में सोच रहा हूँ लेने के लिए। इट्स ऑल रेडी फॉर यू माई डियर शी सेड, उन्होंने क्या कहा उस महिला ने कि मेरे प्यारे आपके लिए पूरा सब कुछ रेडी है, रूम रेडी है। शी हैड अ राउंड पिंक फेस, उन महिला का एक बिल्कुल पिंक राउंड फेस था, गोल चेहरा था, एंड वेरी जेंटल ब्लू आइज, और उनकी बहुत ही ब्लू आइज थी। एंड I knew you would come, और मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगे। She seemed terribly nice, और वो बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही थी। Billy took off his hat and stepped over the threshold, और बिली ने जो अपना हैट उतारा और वो अंदर की तरफ चले, और वहाँ थ्रेशोल्ड होता है बच्चों दहलीज, the floor at the bottom of a doorway. जस्ट हैंग इट देयर शी सेड, और उन्होंने कहा कि इस हैट को आप उधर टांग दीजिए। देयर वर नो अदर हैट्स, नो कोट्स, नो अम्ब्रेलास एंड नो वॉकिंग स्टिक्स, नथिंग, लेकिन वहाँ पर कोई भी हैट नहीं था, कोई कोट नहीं, कोई अम्ब्रेला नहीं था, ना ही कोई वॉकिंग स्टिक थे। वी हैव इट ऑल टू आवर सेल्व, यू सी इट इजेंट वेरी ऑफन आई हैव द प्लेजर ऑफ टेकिंग अ विजिटर इन टू माई लिटिल नेस्ट, तो उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई कि, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मेरे यहाँ कोई आता है। शी सेड स्माइलिंग एज शी लेट द वे अपस्टेयर्स, अब जो अपस्टेयर्स में उनको लेके जा रही थी सीढ़ियों पर, तो उन्होंने रुक के मुड़ के उनसे कहा कि आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, जब भी मुझे यहाँ पर कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। द ओल्ड गर्ल इज़ स्लाइटली डॉटी बिली थॉट, अब बिली ने क्या सोचा जी ओल्ड गर्ल है, ओल्ड गर्ल रेफर्स टू एल्डरली वूमेन, तो ये थोड़ी सी डॉटी है, डॉटी मीन्स क्रेजी मैड, तो बिल्ली को ऐसा लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर व्हेन आई ओपन द डोर, और ये बहुत बड़ा प्लेजर था मेरे लिए, बहुत अच्छा था कि जब मैंने डोर खोला। एंड आई सी समवन स्टैंडिंग देयर हु इज़ जस्ट एग्जैक्टली राइट, शी पॉज्ड एंड एडेड लाइक यू, कि मुझे वहाँ पर कोई खड़ा दिखता है, कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप जैसा कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हर ब्लू आइज ट्रेवल्ड स्लोली ऑल द वे डाउन द लेंथ ऑफ बिलीज बॉडी टू हिज फीट एंड देन अप अगेन, और उसकी जो ब्लू आइज़ थी उसने पूरा ट्रैवल किया उनकी बॉडी पर, उनकी लेंथ, बिल्ली की जो बॉडी लेंथ है ऊपर से नीचे, टू हिज फीट एंड देन अप अगेन, उसने उसको फीट तक देखा और वापस फीट से ऊपर तक देखा। दे क्लाइंब अप टू द थर्ड फ्लोर, वो थर्ड फ्लोर पे चले गए। एंड दिस इज़ योर रूम, और ये है तुम्हारा कमरा। आई डू होप यू विल लाइक इट, और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये कमरा पसंद आएगा। शी टुक हिम इन टू अ स्मॉल बट चार्मिंग फ्रंट बेडरूम, वो एक उसको एक बहुत छोटे लेकिन बहुत एक चार्मिंग फ्रंट बेडरूम पर ले गई। स्विचिंग ऑन द लाइट एज शी वेंट इन, और जैसे ही वो अंदर घुसी उन्होंने लाइट को स्विच ऑन किया। आई एम सो ग्लैड यू अपीयर्ड शी सेड, अब उसने क्या कहा कि आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लुकिंग अर्नेस्टली इन टू हिज फेस, और
अर्नेस्टली होता है विद सीरियसनेस। आई वॉज बिगनिंग टू गेट वरिड, अब मुझे चिंता होने लगी। ये कौन सोच रहे हैं? बिली। वट अबाउट सुपर माई डियर? सुपर होता है मील, द मील इटन जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में जाने से पहले कुछ खाना, छोटा सा मील, दैट इज़ सुपर। तो उन्होंने पूछा कि आपके खाने में मैं क्या लेकर आऊँ? आई एम नॉट अ बिट हंग्री, थैंक यू, ही सेड। अब उन्होंने कहा मुझे तो कोई भूख नहीं है, थैंक यू। आई थिंक आई विल जस्ट गो टू बेड, मुझे लगता है बस मुझे सोने जाना चाहिए। वेरी वेल देन, तो ठीक है आप जा सकते हैं। आई विल लीव यू नाउ, अब मैं जाती हूँ। बट बिफोर यू गो टू बेड, लेकिन सोने से पहले, वुड यू बी काइंड एनफ टू पॉप इन टू द सिटिंग रूम एंड साइन द बुक? तो क्या प्लीज़ आप वो जो सिटिंग रूम है वहाँ जाइएगा और वहाँ पे एक बुक है, रजिस्टर है, वहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। द फैक्ट दैट हिज लैंड लेडी अपीयर टू बी स्लाइटली ऑफ हर रॉकर डिडंट वरी बिली। और फैक्ट तो ये है, जो लैंड लेडी अपीयर जो हो रही थी वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ हर रॉकर, ऑफ हर रॉकर हेयर मीन्स क्रेजी, तो उनको थोड़ा क्रेजी लग रहा था। आफ्टर अनपैकिंग इज सूट केस, अब बिली ने जो है अपना सूट केस जो है अनपैक कर लिया। ही ट्रॉटेड डाउन स्टेयर्स टू द लिविंग रूम, और वो ट्रॉटेड होता है बच्चों वॉक्ड फास्ट टेकिंग शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदम से जल्दी जल्दी चलना। तो वो वहाँ पर डाउन स्टेयर्स में लिविंग रूम में चले गए। ही फाउंड द गेस्ट बुक लाइंग ओपन ऑन द पियानो, और पियानो के ऊपर उन्होंने देखा गेस्ट बुक ओपन है एंड द लिटिल डैशन स्टिल स्लीपिंग साउंडली, और अभी तक वो जो डॉगी था वो अभी तक सो रहा था। He took out his pen and wrote down his name and address. अब उन्होंने पेन निकाला और अपना नाम और पता उसमें लिख दिया। There were only two other entries above his own page on the page. अब वहाँ पर उस पेज पर सिर्फ दो और एंट्रीज थी। And as one always does with guest book, जैसा कि हर एक व्यक्ति करता है गेस्ट बुक में, he started to read them. और वो उन्होंने दूसरे जो एंट्रीज थी वो पढ़ना शुरू किया। One was a Christopher Holland and the other was Gregory W. Temple. एक थे उनमें से क्रिस्टोफर और एक थे ग्रेगरी टेम्पल। क्रिस्टोफर मुलहोलैंड, दैट रिंग्स अ बेल, रिंग्स अ बेल मीन्स साउंड्स वैगली फैमिलियर। अब उन्हें ये नाम पढ़कर थोड़ा सा फैमिलियर लगा कि हाँ ये नाम तो मैंने सुना है। वेयर हैड ही हर्ड दैट रादर अनयूजुअल नेम बिफोर, तो ये नाम उन्होंने पहले कहाँ सुना है ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। ही ग्लैंस डाउन अगेन एट द बुक, फिर उन्होंने उस बुक में दोबारा देखने की कोशिश की। क्रिस्टोफर मुलहोलैंड 231 कैथेड्रल रोड कार्डिफ, ग्रेगरी डब्ल्यू टेम्पल 27 सिंकेमोर ड्राइव ब्रिस्टल, तो ये उनके एड्रेस के साथ था नाम। ग्रेगरी टेम्पल, ही सेड अलाउड सर्चिंग हिज मेमोरी, क्रिस्टोफर मुलहोलैंड, तो ये दोनों नाम उन्होंने अपने मन में बोले और थोड़ा लाउडली बोले और सर्चिंग अपनी मेमोरी में सर्च करने लगे, याद करने लगे कि मैंने ये नाम कहाँ सुने थे। सच चार्मिंग बॉयज, अ वॉइस बिहाइंड हिम आंसर्ड, और पीछे से एक आवाज़ आई कि वो दोनों बहुत चार्मिंग बॉयज थे। ही टर्न्ड एंड सॉ हिज लैंड लेडी, अब उन्होंने देखा कि पीछे वो लैंड लेडी आ रही हैं, सेलिंग इन टू द रूम विद अ लार्ज सिल्वर टी ट्रे इन हर हैंड्स, और वो अपने हाथ में एक लार्ज सिल्वर टी ट्रे लेकर आ रही हैं। सेलिंग हेयर मीन्स मूविंग कॉन्फिडेंटली, दे साउंड सम हाउ फैमिलियर, ही सेड। तो अब उन्होंने क्या कहा, बिली ने क्या बोला कि ये ऐसा लग रहा है कि फैमिलियर है। आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव आई हैव हर्ड दोज नेम्स बिफोर समवेयर, और मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए श्योर हूँ, पॉजिटिव हूँ कि मैंने ये दोनों नाम कहीं पहले सुने हैं। मे बी इट वॉज इन द न्यूज़ पेपर्स, हो सकता है न्यूज़ पेपर्स में मैंने इनके नाम सुने हों। दे वरंट फेमस इन एनी वे फॉर दे, क्या वो दोनों फेमस थे? हाँ मुझे लगता है फेमस थे, आई मीन फेमस क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स, मुझे लगता है वो कोई फेमस क्रिकेटर या फुटबॉलर रहे होंगे। फेमस, शी सेड, अब उस लैंड लेडी ने क्या बोला, फेमस, सेटिंग द टी ट्रे डाउन, अब टी ट्रे को उन्होंने नीचे रखते हुए कहा। ओ नो आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि, बट देवर इनक्रेडिबली हैंडसम एग्जैक्टली लाइक यू, लेकिन वो बेहद ही, इनक्रेडिबली मीन्स अनबिलीवेबली, तो वो बहुत ही हैंडसम थे एग्जैक्टली आप जैसे। वंस मोर बिली ग्लैंस डाउन एट द बुक, एक बार फिर से बिली ने उस बुक में देखा। दिस लास्ट एंट्री इज़ ओवर टू ईयर्स ओल्ड,
तो ये जो लास्ट एंट्री है ये 2 साल पहले की है, एंड क्रिस्टोफर मुलहोलैंड इज़ नियरली 3 ईयर्स अगो। और जो क्रिस्टोफर की जो एंट्री है वो कम से कम 3 साल पुरानी है। डियर मी, शी सेड हीविंग अ डेंटी लाइट लिटिल साई, हाउ टाइम डज फ्लाई अवे डजेंट इट। तो उस महिला ने क्या कहा, हाँ डियर ये ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, 2 साल और 3 साल पुरानी एंट्री है और कैसे समय एकदम उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। दीज नेम्स मुलहोलैंड एंड टेम्पल सम हाउ इन सम पैक्यूलर वे अपीयर टू बी सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टुगेदर। ये नाम मुलहोलैंड और टेम्पल किसी न किसी तरह से एक साथ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, एज दो दे वर बोथ फेमस फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और मुझे लगता है ये दोनों किसी एक ही चीज़ के लिए फेमस थे। हाउ अम्यूजिंग शी सेड, उसने कहा कितना मनोरंजक है ये सुनना। कम हेयर नाउ डियर एंड हैव अ नाइस कप ऑफ टी, आओ डियर और आके मेरे साथ यहाँ पर चाय पी लो। ही स्टूड बाय द पियानो वॉचिंग हर, और वो वहाँ पर पियानो के पास खड़े होकर उन्हें उस लेडी को वॉच कर रहे थे। ही नोटिस दैट शी हैड स्मॉल, उन्होंने नोटिस किया कि उनके स्मॉल वाइट क्विकली मूविंग हैंड्स हैं और रेड फिंगर नेल्स हैं। आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव दे वर इन द न्यूज़पेपर्स, बिली सेड। बिली ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, पॉजिटिव हूँ इस बात के लिए कि इन दोनों का नाम मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था। देर इज़ नथिंग मोर टेंटलाइजिंग देन अ सिंगल थिंग देन अ थिंग लाइक दिस दैट लिंगर्स जस्ट आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ वंस मेमोरी। बच्चों टेंटलाइजिंग का मतलब है टैम्पटिंग, टीजिंग, बहुत चिढ़ा देने वाला, और लिंगर्स हैं, लिंगर्स मीन्स स्टेज। तो ये इससे ज़्यादा कुछ, देर इज़ नथिंग मोर टेंटलाइजिंग देन अ थिंग, इस चीज़ से ज़्यादा टीजिंग कुछ नहीं होता। लाइक दिस इस जैसा, जैसे कि स्टेज जस्ट आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ वंस मेमोरी, एक किसी इंसान के मेमोरी में कोई चीज़ हो और वो बॉर्डर पर नहीं आ रही हो, याद ही नहीं आ रही हो बार बार, तो इससे ज़्यादा टीजिंग कुछ और नहीं हो सकता। नाउ वेट अ मिनट ही सैड, अब उसने क्या कहा, एक मिनट वेट कीजिए, क्रिस्टोफर मुलहोलैंड वॉजेंट दैट द नेम ऑफ इटर्न स्कूल बॉय हु वॉज ऑन द वॉकिंग टूर एंड देन ऑल ऑफ अ सडन। अब उन्होंने क्या कहा, बिली ने क्या बोला, क्रिस्टोफर मुलहोलैंड जो है क्या वो ये नाम नहीं है जो इटर्न स्कूल बॉय जो वॉकिंग टूर पर गया था और अचानक से ही बस वो इतना ही बोल पाया। तो अब महिला ने क्या बोला, मिल्क दूध शी सेड एंड शुगर चीनी, यस प्लीज़। अब उन्होंने कहा यस प्लीज़ एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से अब वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने उनकी बात काट दी। इटर्न स्कूल बॉय शी सेड, उसने कहा इटर्न स्कूल बॉय, ओ नो माई डियर दैट कांट पॉसिबली बी राइट, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज माई मिस्टर मुलहोलैंड वॉज अ कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि जो मेरे यहाँ पर जो रुके थे मुलहोलैंड वो कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट थे। कम ऑन योर टी इज़ ऑल रेडी फॉर यू, आओ आपके लिए चाय बिल्कुल तैयार है। बिली स्टार्टेड सिपिंग हिज टी, अब बिली ने जो है चाय पीना शुरू किया। फॉर हाफ अ मिनट और सो, आधे मिनट तक नीदर ऑफ देम स्पोक, अब दोनों चुप रहे। बिली न्यू दैट शी वॉज लुकिंग एट हिम, अब बिली जानते थे कि वो महिला उनकी तरफ ही देखती जा रही हैं। ही कुड फील हर आइज रेस्टिंग ऑन हिज फेस, महसूस कर सकते थे कि उनकी जो निगाहें हैं उनके जो उनके चेहरे पर ही रुकी हुई हैं। वॉचिंग हिम ओवर द रिम ऑफ हर टी कप, और वो अपने कप के जो रिम है, द राउंड एज, रिम मीन्स द राउंड एज, वॉचिंग उसको वॉच कर रही अपने टी कप से पीते पीते देख रही हैं। नाउ एंड अगेन ही कॉट अ विफ ऑफ अ पैक्यूलर स्मेल दैट सीन टू इमैनेट टू कम फ्रॉम, और अभी क्या है, एक उनको लगा कि उनको जो फील हुआ बिली को कि एक पैक्यूलर स्मेल जो है वो आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम हर पर्सन। कैसी स्मेल आ रही है, पिकल्ड वॉलनट्स, किसी अचार की वॉलनट्स की, न्यू लेदर की या किसी नए चमड़े की, और वॉज इट द कॉरिडोर्स ऑफ अ हॉस्पिटल, या फिर जो कॉरिडोर से जो दवाइयों की स्मेल आती है, या ये वो स्मेल है। मिस्टर मुलहोलैंड लव्ड हिज टी, अब वो क्या कहती हैं कि मिस्टर मुलहोलैंड के जो थे ये चाय बेहद पसंद थी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई सपोज
ही लेफ्ट फेयरली रिसेंटली, बिली सेड. अब बिली ने क्या कहा कि मुझे लगता है वो अभी अभी यहाँ से गए होंगे हाल ही में. लेफ्ट ही सेड आर्किंग हर ब्रोज. अब उन्होंने अपनी जो आईब्रोज को ऐसे आर्क बना के एकदम हैरानी से बोला, लेफ्ट चले गए? माई डियर बॉय ही नेवर लेफ्ट. वो यहाँ से कभी नहीं गए. ही स्टिल हेयर. वो अभी भी यहीं हैं. मिस्टर टेम्पल इज़ ऑल्सो हेयर. मिस्टर टेम्पल भी इधर ही हैं. दे आर ऑन द फोर्थ फ्लोर बोथ ऑफ देम टुगेदर. और वो फोर्थ फ्लोर पर दोनों, और वो दोनों एक साथ हैं. बिली स्टेयर्ड एट हिज लैंड लेडी. अब बिली जो हैं वो अपनी जो लैंड लेडी थी उनकी तरफ देखने लगे. शी स्माइल्ड बैक एट हिम एंड आस्क्ड, हाउ ओल्ड आर यू माई डियर. अब उसने स्माइल किया और उनसे पूछा कि आप कितने साल के हो. 17, उन्होंने जवाब दिया. 17. मिस्टर मुलहलैंड वॉज ऑल्सो 17. मिस्टर मुलहलैंड भी 17 साल के थे. मिस्टर टेम्पल ऑफ़ कोर्स वॉज 28. और जो मिस्टर टेम्पल थे वो 28 ईयर्स के थे, 28 वर्ष के थे. एंड येट आई नेवर वुड हैव गेस्ड इफ ही हैडन्ट टोल्ड मी. और मैं मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता अगर वो खुद ना बताते कि वो 28 वर्ष के हैं. देयर वॉजंट अ ब्लैमिश ऑन हिज बॉडी. और ब्लैमिश होता है बच्चों मार्क, स्पॉट. तो उनकी बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं था. हिज स्किन वॉज जस्ट लाइक अ बेबीज. और उनकी जो स्किन थी वो एक बच्चे की तरह थी. शी सीम टू हैव लैप्स्ड इनटू अनदर ऑफ हर साइलेंस. और ऐसा लगता था वो कुछ देर के लिए लैप्स्ड इनटू मतलब पास्ड इनटू, वो अपनी दूसरी खामोशियों में चले गए. दैट पैरट, बिली सेड एट लास्ट. बिली ने कहा, वो तोता, इट हैड मी कम्प्लीटली फूल्ड. इसने तो मुझे पूरा मूर्ख बना दिया. आई कुड हैव स्वॉर्न इट वॉज अलाइव. मुझे तो ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल अलाइव है. इट्स मोस्ट टेरिबली क्लेवर द वे इट हैज़ बीन डन. और ये बहुत ही चलाकी से इसने दिखाया जो जिसने ऐसा किया. ही कंटिन्यूड, इट डजेंट लुक इन द लीस्ट बिट डैड. और ये हु डिड इट, उनको ऐसा लगा कि ये जिंदा है. आई डिड, उन्होंने कहा मैंने किया. एंड हैव यू मेट माई लिटिल बेसिल, और क्या आप मेरे लिटिल बेसिल से मिले. शी नॉडेड टूवर्ड्स द डैश शोन. और उन्होंने उस डॉगी की तरफ इशारा किया. उनका नाम बेसिल था उस डॉगी का. बिली लुक्ड एट इट. बिली ने उसकी तरफ देखा. एंड सडनली ही रियलाइज दैट दिस एनिमल हैड ऑल द टाइम बीन जस्ट एज साइलेंट एंड मोशनलेस. और उन्होंने नोटिस किया कि ये जो एनिमल्स हैं, तोता और ये डॉगी जो है, ये सभी मोशनलेस हैं, साइलेंट हैं, एज द पैरट, पैरट की तरह. ही पुट आउट अ हैंड एंड टच्ड इट जेंटली ऑन द टॉप ऑफ इट्स बैक. और उन्होंने जेंटली अपना हाथ जो है उस डॉगी के स्किन पर टच किया, जेंटली. The back was hard. जो उनकी बैक थी वो काफ़ी हार्ड थी और काफ़ी कोल्ड थी. And when he pushed the hair, और जैसे उन्होंने थोड़े से बाल ऐसे हटाए on one side with his fingers, अपनी फिंगर से थोड़ा बाल अगर हटाए उन्होंने, he could see the skin underneath. वहाँ नीचे उनकी स्किन दिखाई दे रही थी, greyish black, dry and perfectly preserved. और greyish black थी उनकी और सूखी हुई थी और perfectly preserved की हुई थी. प्रिजर्व है बच्चों, मेंटेन ट्रीटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग. किसी बॉडी को डिके होने से बचाने के लिए उसको प्रिजर्व करना. गुड ग्रेशियस मी, गुड ग्रेशियस मी एन एडियोमेटिक फ्रेज है बच्चों ये, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरानी दिखाने के लिए. ही सेड, उसने कहा. ही स्टेड विद डीप एडमायरेशन एट द लिटिल वूमेन. अब उन्होंने उनको एकदम घूरा और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा के लिए लिटिल वूमेन की. इट मस्ट बी मोस्ट ऑफुली डिफ़िकल्ट टू डू अ थिंग लाइक दैट. ये बहुत ही awfully means extremely, बहुत ही मुश्किल है ऐसी चीज़ करना. Not in the least, she said. उसने कहा, नहीं. I stuffed all my little pets myself when they pass away. मेरे जितने भी जो पालतू जानवर हैं, जब भी वो मर जाते हैं तो मैं उनको प्रिजर्व कर लेती हूँ, उनको स्टफ कर देती हूँ. You did sign the book, didn't you? क्या तुमने बुक को साइन किया? ओ यस, हाँ मैंने किया. दैट्स गुड, ये अच्छा किया. बिकॉज लेटर ऑन, क्योंकि बाद में, इफ़ आई हैपन टू फॉरगेट व्हाट यू वर कॉल्ड, लेकिन अगर मैं बाद में भूल गई कि आपका क्या नाम था, आपको कैसे पुकारा जाता है, देन आई कैन ऑलवेज कम डाउन हेयर एंड लुक इट अप. तो मैं हमेशा नीचे आके इस रजिस्टर से आपका नाम देख लूँगी. आई स्टिल डू दैट ऑलमोस्ट एवरी डे. मैं अभी भी यही करती हूँ, हमेशा डेली आती हूँ वो रजिस्टर में इनके नाम देखने के लिए, विथ मिस्टर मुलहोलैंड एंड मिस्टर
टेम्पल, बिली सेट। अब वो वहाँ पर नाम भूल गई थी, उन्होंने कहा मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, वहाँ पर नाम देखने आती हूँ रजिस्टर में। टेम्पल, बिली ने कहा, टेम्पल, यस, ग्रेगरी टेम्पल। एक्सक्यूज माई आस्किंग बट हैवन्ट देयर बीन एनी अदर गेस्ट हेयर एक्सेप्ट देम इन द लास्ट 2 or 3 years? अब बिली ने ये पूछा उनसे, उस महिला से, कि क्या इन दोनों गेस्ट के अलावा यहाँ पर पिछले 2 या 3 साल से कोई नहीं आया? बिली ने ऐसा पूछा। द टी टेस्टेड फेंटली ऑफ बिटर आलमंड्स। अब जो चाय थी उसमें उनको बहुत कड़वाहट लग रही थी, एकदम कड़वे बादामों की उन्हें ऐसे खुशबू आ रही थी। एंड ही डिडंट मच केयर फॉर इट, लेकिन उन्होंने उसकी ज़्यादा केयर नहीं की, उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया। होल्डिंग हर टी कप हाई इन वन हैंड, अब उनका जो टी कप था वो ऊपर से एक हाथ से उन्होंने होल्ड कर लिया। इंक्लाइनिंग हर हेड स्लाइटली टू द लेफ्ट, और उनका इंक्लाइनिंग होता है झुका देना, बेंडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उनका सिर थोड़ा झुका दिया। शी लुक्ड अप एट हिम आउट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ हर आइज, और उन्होंने अपनी आँखों के कॉर्नर से उसको देखा, मिस्टर बिली को, एंड गेव हिम अनदर जेंटल लिटिल स्माइल, और उन्हें एक अजीब सी मुस्कुराहट, उन्होंने स्माइल दी। नो माई डियर, शी सेड, ओनली यू। तो उन्होंने उसका जवाब, जो उन्होंने पूछा था कि यहाँ पिछले 2-3 साल में कोई आया है, नहीं आया है, तो उन्होंने कहा नो माई डियर, नहीं, यहाँ 2-3 साल से, पिछले 3 साल से कोई नहीं आया, सिर्फ तुम आए हो, ओनली यू। ठीक है बच्चों, ये एक रहस्यमयी कहानी थी और यहीं पर इसका एंड हो जाता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।